जानते हैं रेपो रेट होता है क्या, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, रेपो रेट किसे कहते हैं दोस्तों? रेपो रेट एक ऐसा दर होता है दोस्तों जो बैंक होती है, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि आरबीआई जो हमारे सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका के मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो गवर्नर है वो डॉक्टर शक्तिकांत दास जी हैं। ये गवर्नर, इसका मुख्यालय मुंबई में 1935 में इस बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये जानकारी आपको मिल जाना जरूरी है पहले। तो रेपो रेट दोस्तों, अब आपको आप बैंक से लोन लीजिएगा भी तो आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा महंगा ब्याज पर क्यों मिलेगा, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही जो भी जितना आप कॉमर्शियल बैंक देखते हैं, जो भी बैंक आप मार्केट में देखते हैं अपने आसपास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, वो सभी बैंक जो है वो उसके पास रुपया आता कहाँ से? वो रुपया जो दोस्तों रिजर्व बैंक से लेती है, रिजर्व बैंक को उसके बदले में जो कॉमर्शियल बैंक है वो आप उसके बदले में उस बैंक को पैसा चुकाती है, यानी किस बैंक को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक हो गया आपका, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, केंद्र, जितना भी बैंक आप मार्केट में देख रहे हैं वो सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा चुकाती है ब्याज के रूप में। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहा है कि अब हम आपको ज़्यादा ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा मुझे, तब हम आपको पैसा देंगे, तो अंततः बैंक चुकाएगी और उसका जो परिणाम मिलेगा दोस्तों अंततः वो जनता को चुकाना होगा। क्यों? यहाँ देखिए, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा क्या करता है, उधार लेता है। जब बैंकों के लिए उधारी महंगी हो जाती है तो इसका बोझ ग्राहकों पर डाल देती है, यानी कि जब बैंक को लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा ब्याज पर मिलेगा तो उसका बोझ जो है दोस्तों वो ग्राहकों पर डाल देती है बैंक। अधिक ब्याज पर लोन देते हैं, रेपो रेट बढ़ने पर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन महंगा हो जाता है। आरबीआई महंगाई कम करने के लिए बैंकिंग सिस्टम के अतिरिक्त फंड को सोख कर बाजार में मांग को कम करने के लिए इसमें वृद्धि करता है। कर्ज की मांग कम होने से महंगाई में नरमी आ जाती है दोस्तों। ये था दोस्तों रेपो रेट कितना परसेंट बढ़ा है दोस्तों, 6.25%। चलिए दोस्तों कब कब बढ़ा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कब कब बढ़ी है रेपो रेट, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 4 मई 2022 को आपका 0.4% बढ़ा था, फिर 8 जून 2022 को 0.5% बढ़ा, फिर 5 अगस्त 2022 को 0.5% बढ़ा था, फिर आपका 30 सितंबर 2022 को 0.5% बढ़ा था, और ये फिर 7 दिसंबर 2022 को 0.35%, यानी कि टोटल मिलाकर के 6.25% आपको जो रेपो रेट है वो आपका बढ़ गया। तो यानी कि अभी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा रेपो रेट कितना परसेंट बढ़ा है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है 6.25%। यहाँ पर भी देखिए इस वृद्धि के बाद रेपो रेट 6.25% हो गया, यानी कि इसके बाद साथ ही यह तय हो गया कि बैंक जल्द ही होम लोन, ऑटो लोन और दूसरे व्यक्तिगत कर्जों के अलावा कॉरपोरेट लोन की दरों में बढ़ोतरी करेगा। पिछले 7 महीने के दौरान रेपो रेट 5 बार में 2.25% पढ़ाई जा चुकी और इसकी वजह से इस दौरान होम लोन, ऑटो लोन औसतन 1.15% तक महंगे हो चुके हैं। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों जितना भी तरीके का लोन है, सब लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप पहले की अपेक्षा बढ़ गया। यहाँ पर उदाहरण दे करके भी समझाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। यहाँ देखिए कोई व्यक्ति है और वो बैंक से लोन लिया है अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपये का लोन, होम लोन लिया है, कितना परसेंट ब्याज पर? तो 6.95% पर उन्होंने ब्याज लिया है। 30 लाख रुपये कितने साल के लिए? तो 20 साल के लिए लिया है। लेकिन अब जो है, अब जो रेपो रेट जो बढ़ा उसका क्या परिणाम होगा उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए तो अभी 8.6% के हिसाब से उसकी किस्त 26,225 रुपये होगी। रेपो रेट बढ़ोतरी के बाद अगर बैंक लैंडिंग रेट में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी करता है तो ब्याज दर जो है दोस्तों वो 8.95% पर पहुंच जाएगा, यानी कि दोस्तों 8.95% पर ब्याज पहुंचेगा और उसकी किस्त बढ़कर 26,895 रुपये हो जाएगी। पहले कितना दे रहा था दोस्तों? तो 26,225 रुपये वो पहले दे रहा था रेपो रेट बढ़ने के पहले। रेपो रेट बढ़ने के बाद उसे चुकाना होगा 26,895 रुपये। तो कितना रुपया बढ़ गया दोस्तों? तो 670 रुपये उसे अब ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप ही बताइए, कोई व्यक्ति अगर लोन लेने का इसका अगर प्लानिंग होगा तो वो भागेगा या नहीं भागेगा पीछे? वो 10 बार सोचेगा, लोन ले नहीं ले, ले नहीं ले, ले नहीं ले, अगर ले लेंगे तो फिर हमको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। उसके मन में 10 तरीके का संशय उत्पन्न होगा। तो ये था दोस्तों जो ब्याज दर था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाया उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। हमें आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे और भी जो भाई बंधु हैं उनको भी इसकी जानकारी मिले। तो फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।